पटना से दिल्ली जा रहे इंडिगो की फ्लाइट में बम की खबर से हड़कंप। उड़ान भरने से पहले ही सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया। एयरपोर्ट में बम का दावा करने वाले शख्स को पुलिस ने हिरासत में लिया। पूछताछ जारी, तलाशी में नहीं मिला बम। जांच एजेंसियां सतर्क। उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले विपक्षी एकता में फूट। तृणमूल कांग्रेस उपराष्ट्रपति पद के लिए होने वाले चुनाव में नहीं लेगी हिस्सा। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर टीएमसी की बैठक में लिया गया फैसला। मार्गरेट अल्वा के नाम पर ममता बनर्जी ने बातचीत नहीं करने से टीएमसी नाराज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के लिए रखी फेयरवेल पार्टी। दिल्ली के होटल अशोका में शाम 5:30 बजे होगी पार्टी। देश को मिली पहली आदिवासी राष्ट्रपति। एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की बड़ी जीत। स्टेट राउंड की अकाउंटिंग में जीत दर्ज। राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू को 64% वोट मिले। यशवंत सिन्हा को 36%। द्रौपदी मुर्मू के घर पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुर्मू को बधाई दी। पीएम मोदी के साथ जेपी नड्डा मौजूद रहे। द्रौपदी मुर्मू को बधाई देने आज दिल्ली जाएंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम पुष्कर सिंह धाम में भी मुलाकात कर बधाई देंगे। सीएम योगी ने द्रौपदी मुर्मू को जीत की ट्वीट करके बधाई दी। एक भारत श्रेष्ठ भारत भाव की जीवन तस्वीर है द्रौपदी मुर्मू की जीत, उन्होंने लिखा। सीएम धामी ने भी द्रौपदी मुर्मू को बधाई दी। कहा कि द्रौपदी मुर्मू का चुना जाना महिला सशक्तिकरण और स्वतंत्र लोकतंत्र की दिशा में स्वस्थ लोकतंत्र की दिशा में एक स्वर्णिम अध्याय की तरह है। राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू की जीत पर बीजेपी ने निकाली अभिनंदन यात्रा। तिरंगे के साथ बड़ी तादाद में कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। द्रौपदी मुर्मू की जीत पर दिल्ली में रंगारंग कार्यक्रम। आदिवासी महिलाओं ने पारंपरिक नृत्य कर समा बांधा। द्रौपदी मुर्मू की जीत को लेकर ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में जश्न। महिलाओं ने पारंपरिक नृत्य कर जश्न मनाया। राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू की जीत पर रांची में जश्न का माहौल। लोगों ने आतिशबाजी करके खुशी का इजहार किया। राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू की जीत पर पटना में जश्न। बिहार में दोनों डिप्टी सीएम रेणु देवी और तारकेश्वर प्रसाद ने ढोल बजाकर जश्न मनाया। राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू की जीत पर जम्मू में भी जश्न। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ रविंद्र रैना ने जश्न मनाया। श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में आज फिर से जिला कोर्ट में होगी सुनवाई। 13.37 एकड़ भूमि के स्वामित्व के मामले में सुनवाई। ज्ञानव्यापी विवाद में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। हाईकोर्ट में मस्जिद और वक्फ बोर्ड रखेगा अपना पक्ष। खुदाई कराकर सर्वेक्षण के मामले में हो सकता है बड़ा फैसला। ज्ञानव्यापी में पूजा की इजाजत मांगने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार। मुस्लिम पक्ष की अर्जी पर अक्टूबर में सुनवाई। सीएम योगी और जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक के बीच 1 घंटे तक मुलाकात चली। मुलाकात के बाद खटीक ने की सीएम योगी की तारीफ। दिनेश खटीक ने सीएम की तारीफ करते हुए कहा कि योगी जी की भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति है। अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। दिनेश खटीक ने कहा कुछ अफसर जनप्रतिनिधियों का सम्मान नहीं करते हैं और मांगने पर सूचना भी नहीं देते। सीएम योगी से अभिनेता संजय दत्त ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने संजय दत्त को ओडीओपी उत्पाद भेंट किए। सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों को दी बड़ी सौगात। सीएम ने की कैश प्लस चिकित्सा योजना की शुरुआत। यूपी के सरकारी कर्मचारी और पेंशनधारकों को हेल्थ कार्ड उपलब्ध कराए जाएंगे जिस पर एक यूनिक नंबर लिखा होगा। योजना के लिए पंजीकरण शुरू हो चुका है। सीएम योगी ने शिक्षा नीति को लेकर दिए निर्देश। कहा कि शिक्षा में तकनीक नवाचार को बढ़ावा दें, गुणवत्ता पर हो फोकस। लुलु मॉल के सवाल पर भड़के सपा विधायक आसम खान। अमर्यादित भाषा का आसम खान ने किया इस्तेमाल। अयोध्या पहुंचे खाद्य एवं रसद राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने बसौदा सीएससी का किया निरीक्षण। खामियां मिलने पर अफसरों को दिए दूर करने के निर्देश। प्रयागराज रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम में सामूहिक तौर पर नमाज पढ़ने का मामला आया सामने। स्टेशन के स्लीपर वेटिंग रूम में मौलाना बच्चों के साथ नमाज पढ़ता नजर आया। मौलाना ने कहा नमाज का वक्त होने की वजह से पढ़ी नमाज। रेलवे पुलिस ने गलत तरीके से रोका, इसलिए वेटिंग रूम में नमाज अदा करना पड़ा।
स्टेशन पर मौजूद आरपीएफ ने महानंदा एक्सप्रेसवे के किस नाबालिग बच्चों को ले जा रहा मौलाना को पकड़ा। बिहार के खगड़िया और महरसा जिले के बच्चों को ले जा रहा था। प्रदेश बाल कल्याण समिति मौलाना और बच्चों से की पूछताछ, सभी बच्चों को उनके परिजनों को सौंपा जाएगा। नाबालिगों को फतेहपुर के एक मदरसे में ले जा रहा था मौलाना, इसमें से 6 बच्चे को दिल्ली मजदूरी के लिए ले जाया जा रहा था। हरिद्वार में सार्वजनिक स्थल पर नमाज अदा करने पर एक्शन, शिवालिक नगर में नमाज पढ़ने के आरोप में 8 गिरफ्तार। हरिद्वार में हिंदुवादी नेता साध्वी प्राची को धमकी, आश्रम में पत्र भेज कर दी गई धमकी, साध्वी प्राची ने पुलिस से शिकायत कर सुरक्षा के गुहार लगाई। नुपुर शर्मा का समर्थन करने पर गाजियाबाद में वकील को जान से मारने की धमकी, कन्हैया लाल की हत्या के विरोध में निकाला था मार्च। वाराणसी में मुख्तार अंसारी पर दर्ज हुआ मुकदमा, 31 साल पुराने अवधेश राह हत्याकांड के केस डायरी गायब होने के मामले में एफआईआर दर्ज। फतेहपुर में जमील अहमद बने शवड़ कुमार, शुद्धिकरण के बाद धारण किया है जनेऊ, पीएम और सीएम योगी से प्रभावित होकर युवक ने की घर वापसी। यूपी के प्रतापगढ़ में नाबालिग बच्चों को दी जा रही राइफल चलाने की ट्रेनिंग, नाबालिग युवकों ने एक ही बार कई राउंड फायर किए। प्रतापगढ़ में नाबालिग बच्चों के फायरिंग का वीडियो वायरल होने पर हड़कंप मचा, मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। कासगंज में लव जिहाद का एक और नया मामला है सामने, हकीम ने हिंदू महिला के साथ ताबीज के नाम पर रेप किया। मेरठ में ड्रग तस्कर तस्लीम पर कसा प्रशासन का शिकंजा, गैंगस्टर एक्ट के तहत करोड़ों की संपत्ति को रुकी, सीओ पाली रॉय के नेतृत्व में बड़ी कार्रवाई। रायबरेली महिला जिला अस्पताल की स्टाफ नर्स की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, नर्स अपने ही सरकारी आवास में फांसी के फंदे पे झूलती नजर आई। भदोही के कोई रौना थाना क्षेत्र के रामकिशन बसही गांव में एक युवक की हत्या कर दी गई, हत्या के बाद शव को सड़क के किनारे फेंक दिया गया। शामली जिले के थाना भवन थाना क्षेत्र के कस्बा थाना भवन में शराब पर वेटिंग और मिलावट के मामले की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए आबकारी इंस्पेक्टर ने शराब के ठेकों पर अवैध निरीक्षण औचक निरीक्षण किया। अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क इलाके के अचल पर जिला पूर्ति विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई की, अवैध चावल कारोबार की यहां छापेमारी कार्रवाई करते हुए करीब 1.5 दर्जन अवैध चावल के बोरे जब्त किए। ललितपुर जिले में तेज गति से भाग रहे कंटेनर ट्रक में अचानक से अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई, देखते ही देखते ट्रक में लगी आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। बिजनौर के निजी स्कूल लक्ष्मी पब्लिक इंटर कॉलेज की वैन 32 छात्रों को लेकर जा रही थी, गेट खुलने से वैन से बच्ची नीचे गिर गई और उसकी मौत हो गई। ताज नगरी आगरा में बंदरों का बोलबाला है, पानी में लगातार बंदरों की उछल कूद करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। देवरिया में प्रेम विवाह से नाराज ससुराल वालों ने बहू की बुरी तरीके से पिटाई कर दी, सास ससुर और देवर ने मिलकर बर्बरता की। गाजीपुर सैदपुर थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में अंतर्राज्यीय गैंग के सरगना समेत 3 को गिरफ्तार किया गया। सिद्धार्थनगर के प्राथमिक स्कूलों में किताब उपलब्ध न होने की वजह से बच्चों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, शिक्षा विभाग के लचर रवैये की वजह से अभी तक बच्चों को किताब नहीं मिल पाई है। फिरोजाबाद में एक दर्दनाक सड़क हादसा जिसमें गर्भवती महिला के मौके पर ही मौत हो गई और उसके घर से शिशु बाहर आ गया। रायबरेली के महाराजगंज सीएससी से एक मामला सामने आया है जहां पर ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर शराब के नशे में मरीज का इलाज करता नजर आया। जालौन में तेज रफ्तार के कहर ने ली दो की जान, हाईवे पर तेज रफ्तार लक्जरी कार अज्ञात कारणों से हुई दुर्घटनाग्रस्त। अलीगढ़ में इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्रों के साथ धन उगाही के मामले में छात्रों के संगठन में रोष व्याप्ति है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मुख्यमंत्री के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। प्रतापगढ़ में मेमने को बचाने के चक्कर में पालतू मुर्गा कुत्ते से भिड़ गया, कुत्ते ने मुर्गे को मार डाला, जिसके बाद वफादार मुर्गे के मालिक ने 500 लोगों को रीति रिवाज के साथ तेरेवे खिलाए। कासगंज जिलाधिकारी कार्यालय के मुख्य द्वार पर किसानों ने धरना प्रदर्शन कर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी। बलिया कोतवाली पुलिस ने छात्र चोरों के एक गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 4 छात्र चोरों को गिरफ्तार कर उनके पास से चोरी के 7 मोटरसाइकिल बरामद की। आगरा थाना सिकंदरा इलाके में चौकीदार हत्याकांड का खुलासा हो गया है, पत्नी और बेटे ने मिलकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया।
इटावासी जिले में सिरसिया थाना क्षेत्र के बड़का धरनातरपुर गांव में एक किशोरी की लाश घर के अंदर आंगन में संदिग्ध परिस्थिति में मिली। शवासी जिले में पुलिस ने नेपाली शराब के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस ने गिरफ्तार युवक के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया। झांसी के थाना प्रेमनगर पुलिस ने डकैती की योजना बनाते हुए 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए बदमाश पानी की टंकी से टापू में छिपकर किसी घटना को अंजाम देने के लिए फिराक में थे। सहारनपुर यूपी से लेकर उत्तराखंड तक कावड़ की धूम नजर आ रही है। शिव भक्त कावड़िए भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए जुटे हैं। अलीगढ़ में नगर आयुक्त द्वारा दुकानें हटाने के आदेश के बाद बड़ी संख्या में दुकानदार जिला मुख्यालय पहुंचे और कलेक्ट्रेट के नाम ज्ञापन सौंपा। गाजीपुर के सैदपुर थाना इलाके में विक्रमपुर गांव में दबंग ग्राम प्रधान प्रतिनिधि नवीन सिंह पर वन विभाग ने ठोका तकरीबन 3 लाख का जुर्माना। गांव के सैकड़ों हरे भरे पेड़ों को बिना परमिशन के काटने के आरोप में ठोका जुर्माना। मथुरा में भ्रष्टाचार के खिलाफ योगी सरकार का एक्शन जारी। नगर विकास अधिकारी रमेश कौशिक गिरफ्तार, 1.5 लाख रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप। महाराजगंज के सीमावर्ती क्षेत्रों पर जोरों पर है सब्सिडी खाद की तस्करी। तस्करी को पकड़ने के लिए चलाया जा रहा अभियान। आगरा में गरीब बच्चों की मदद के लिए अनोखी पहल। आर्थिक मदद के लिए एक स्कूल में छात्र और कर्मचारी गोलकों में जमा कर रहे पैसा। यूपी के जौनपुर में चोरों का आतंक, घर का ताला तोड़कर नकदी और गहनों पर किया हाथ साफ। दाड़े हुए इलाकों की चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। हरदोई में मालिक की बेटी से नौकर ने लड़ाया है। इश्क ज्वेलरी न लाने पर मारपीट कर खिलाया जहर। फरुखाबाद में अधिकारी खुलेआम उड़ा रहे कोर्ट के आदेश की धज्जियां। किसानों के पराली जलाने पर नहीं ले रहे एक्शन। गाजियाबाद के बेसिक शिक्षा स्कूलों में 27 जुलाई तक छुट्टी। कावड़ यात्रा को देखते हुए लिया गया बड़ा फैसला। जौनपुर के टीचर कॉलोनी में चोरों ने तोड़ा शिक्षक के घर का ताला। लाखों का जेवर और नकदी लेकर फरार हुई चोर। महोबा में बदमाशों ने दिन दहाड़े एक टीचर के घर में की लूट। 8 लाख के जेवर और 10,000 नकद लेकर फरार हुआ बदमाश। झांसी में मंदिर की पहाड़ी काटकर समतल की जा रही जमीन। जिला प्रशासन की टीम ने पहुंचकर रुकवाया काम। पहाड़ काटकर जमीन कब्जा करने की थी कोशिश। उन्नाव में किसानों ने चकबंदी विभाग पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे किसान। केदारनाथ यात्रा का बना अनोखा रिकॉर्ड। 76 दिन में 9 लाख श्रद्धालुओं ने किए बाबा के दर्शन। यात्रा मार्ग के कारोबारी में खुशी की लहर। खटीमा में लोहिया हेड रोड पर नशा मुक्त केंद्र में भर्ती एक युवक की मौत। प्रशासन ने नशा मुक्त केंद्र को सीज किया। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में बोले इसरो के चेयरमैन, इंसान हमेशा धरती पर नहीं रहेगा, विलुप्त हो जाएगा। सदन में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दी जानकारी। कहा कि सरकार ने साल 2021-22 में 747 वेबसाइट और 94 यूट्यूब चैनल बैन किए। सोनिया गांधी से तकरीबन 2.5 घंटे तक ईडी ने की पूछताछ। 25 जुलाई को सोनिया गांधी से फिर से ईडी करेगी पूछताछ। अधीर रंजन चौधरी का सरकार पर बड़ा हमला। कहा कि ईडी को इडियट बना दिया है। एक महिला पर अत्याचार हो रहा है। सोनिया गांधी को ईडी के समन के खिलाफ कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन। हैदराबाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बाइक में आग लगाकर प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बीजेपी पर हमला। कहा कि सोनिया गांधी की तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी बीजेपी उनके पीछे पड़ी है। लखनऊ में पुलिस से कांग्रेस कार्यकर्ताओं की झड़प। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने से रोका। जम्मू में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। पुलिस ने बैरिकेटिंग कर प्रदर्शनकारी को रोका। कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। बेंगलुरु में भी कांग्रेस नेताओं का विरोध प्रदर्शन। पूर्व सीएम सिद्धरमैया फिरप्पा मोटली समेत कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। सोनिया गांधी से पूछताछ कर विपक्ष का साझा बयान। सोनिया से ईडी की पूछताछ की निंदा की। साझा बयान में टीएमसी शामिल है। कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाया आरोप। कहा कि विपक्ष को चुप कराने की साजिश। बीजेपी का एजेंसियों के साथ गठबंधन। मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला के पिता को पाकिस्तान से मिली धमकी। एक पोस्ट के जरिए दी गई धमकी में लिखा है अगला नंबर बापू का। गुजरात के सूरत में आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान। कहा कि गुजरात में सरकार बनी तो 300 यूनिट तक बिजली फ्री देंगे।
सीएम केजरीवाल के सिंगापुर दौरे का प्रस्तावित दौरा खारिज। उपराज्यपाल ने दिल्ली सीएम के प्रस्तावित प्रस्ताव को खारिज कर दिया। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का केंद्र पर हमला, कहा कि ऊंची राजनीति के तहत केजरीवाल को सिंगापुर जाने से रोका गया। हरियाणा में डंपर से कुचलकर डीएसपी की हत्या मामले में न्यायिक की जांच के आदेश। गृह मंत्री अनिल विज बोले, अवैध खनन की भी जांच कराई जाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन कोरोना पॉजिटिव। पीएम मोदी ने बाइडेन की जल्द स्वस्थ होने की कामना की। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे कैबिनेट की आज लेंगे शपथ। नए कैबिनेट में पिछली सरकार के भी कई सदस्य शामिल।